राजकुमारी एनेस्टेशिया भाग चार। एक समय की बात है, एक पास के देश में वैसे मुझे लगता है कि इस कहानी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है और ना ही हमारे श्री रोग के बारे में सुपर एशिया। सुपर एशिया। थैंक यू बच्चे, याद रखना ये दिमाग बड़ी काम की चीज है। एनेस्थेसिया भी लोगों की मदद करती और प्यार बांटती, पर हर योद्धा की तरह उसे भी अपनी नींद प्यारी थी। उसे सोना अच्छा लगता। आना उठो। क्या हुआ, सुबह हो गई क्या? तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी करो चलो। हाँ पिताजी, सब ठीक तो है ना? नहीं एनेस्थेसिया, हमारे राज्य में कुछ गड़बड़ है। ये देखो। एनेस्थेसिया ने देखा कि लोगों के घरों की बत्तियां जल रही हैं, लेकिन कोई भी सोया हुआ नहीं है। एनेस्थेसिया, हमारे राज्य पर हमला हुआ है। एनेस्थेसिया ने अपने सेना का साथ दिया और वो शहर की तरफ निकल पड़े, पर उन्हें एक भी चोर, डाकू या लुटेरा दिखाई नहीं दिया। वो सब लोग उसी के राज्य के थे। हाय, क्या बात है? घबराओ मत, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। सुपर एशिया, तुम आ गई, लड़ने में मदद करो। किससे लड़ना है? गॉब्लिन्स से। गॉब्लिन्स? सुपर एशिया, सुपर एशिया। राजकुमारी देखिए, ये हजारों की तादाद में होंगे। ओहो। आने वाले कुछ दिनों में टैंगसोंगा ने गॉब्लिन्स के साथ निपटने की पूरी कोशिश की। पर इस अफरा तफरी में कुछ अजीब हुआ। हताश होकर जैसे ही एनेस्थेसिया ने अपनी आंखें बंद की, अनजाने में उसने खुद की नकल निकाल ली। क्या? हर मुसीबत हमें अपने आप को समझने का मौका देती है। तुम अपनी शक्तियों को समझ रही हो? देखते हैं और कितना हो सकता है। जैसे एनेस्थेसिया ने खुद की नकल निकाली, वो ये देखकर चौंक गई कि गॉब्लिन्स भी अपनी नकल निकाल रहे थे। ओ, ये काम नहीं कर रहा, हमें कुछ और सोचना होगा। आखिर में राजा रूबिन ने ऐलान किया कि टैंगसोंगा पर हमला हो चुका है और लोगों को महल के अंदर पनाह दिया गया जब तक वो उन गॉब्लिन से नहीं निपट लेते। पिताजी, गॉब्लिन्स बहुत ही पुराने जीव है, हमें इसकी तह तक पहुंचना होगा, और सिर्फ बल से ही नहीं बल्कि सब्र और दिमाग से भी। शायद वक्त आ गया है मदद मांगने का लैंड ऑफ काउंसिल से। लैंड ऑफ काउंसिल्स?
मुझे तो लगा ये सच नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो आज तक उनसे मिला हो। हमें कोशिश करनी होगी। तुम्हें मंत्रियों के मैदान को पार करना होगा और कठिन पहाड़ों से गुजरना होगा। पिताजी, मुझे इसी समय जाने की अनुमति दीजिए। गॉब्लिन्स बहुत ही शरारती जीव हैं और उनकी शरारत की कोई हद नहीं, इसीलिए वो खतरनाक हैं। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे लौटने तक हम महल को सुरक्षित रखेंगे। एनेस्थीसिया तुरंत निकल पड़ी और महल के लोगों ने उसे रास्ता बताया। वो उन कठिन पहाड़ों से गुजरी और एक मैदान के पास आई। वहाँ एक छोटा सा शहर था जहाँ एक बड़े से ईगल ने कहर मचा रखा था। बचाओ, बचाओ! हाया! वो! एनेस्थीसिया उस ईगल की पीठ पर चढ़ गई। वो तो सुपर एशिया है, रात की रक्षा। मैंने उसके बारे में सुना है। ये सुपर एशिया। हाँ, नहीं नहीं, बाई और मुड़ो दोस्त। हाया! ये! हाया! सुपर एशिया। अपने जीते जी मैंने किसी को उस विशाल लीगल पर सवार होते नहीं देखा है। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, लेकिन मानना पड़ेगा कि बहुत मजा आया। सुपर एशिया। तुम बोल सकते हो? हाँ, पर जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें नहीं समझ में आएगा, तुम्हें आएगा। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके बारे में तुम्हें अभी नहीं पता। सुपर एशिया, तुम्हारी शक्ति और हिम्मत ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। ओह, ये तो सुपर एशिया के लिए भी कुछ ज्यादा ही है। पर अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो, मैं लैंड ऑफ काउंसिल्स को ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? जरूर। ये! सुपर एशिया! ये! सुपर एशिया, तुम क्या कमाल की औरत हो! ईगल पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। तुम्हें उस दिशा में जाना होगा। तुम्हें एक अंधेरी गली दिखाई देगी जो तुम्हें लैंड ऑफ काउंसिल्स के पास ले जाएगी। थैंक यू मेरे दोस्त, पर मुझसे वादा करो तुम दोबारा किसी को परेशान नहीं करोगे, ठीक है? मैं वादा करता हूँ सुपर एशिया। तुमने मुझे सिखाया है कि शक्तियों का इस्तेमाल करके हम कमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूंगा। गुड लक। ईगल चला गया और एनेस्थीसिया उस अंधेरी गली के अंदर चली गई। हाँ, वाह, लगता है मैं कई घंटों से इस गली में भटक रही हूँ। मुझे लगा लैंड ऑफ काउंसिल्स रोशनी और ज्ञान से भरा होगा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि रोशनी की कीमत को समझने के लिए तुम्हें अंधेरे से गुजरना पड़ता है। कुछ ही सेकंड्स में वो गली गायब होने लगी और एनेस्थीसिया ने खुद को एक सुंदर बगीचे में पाया। मैं हूँ ओमीज, प्राचीन राज्य में तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी एनेस्थीसिया। एक मिनट, आपको मेरा नाम कैसे पता? बताए तुम कौन हो? मेरा नाम है ट्रिकिरा और हमें ये भी पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। हम इस राज्य के रक्षक हैं राजकुमारी, हम उन्हीं की मदद करते हैं जिन्हें इसकी जरूरत होती है, और तुमने खुद को एक बहादुर और समझदार औरत के तौर पर साबित किया है। मुझे अपने लोगों को बचाने का कोई तरीका बताइए। गॉब्लिंस बहुत ही शरारती होते हैं। उन्होंने तुम्हारे गांव पर हमला किया क्योंकि वो तुम्हारी सेना को आसानी से हरा सकते हैं। वो ये जानते हैं। वो तुमसे डरते नहीं हैं। उन्हें पकड़ने में हम मदद करेंगे, पर तुम्हें उन्हें सुधारने का तरीका ढूंढना होगा। ट्रिकिरा और ओमिस ने सोने का घड़ा और एक छोटी सी बोतल एनेस्थीसिया के सामने रखी। इस बोतल में जादुई पोषण है। इससे जमीन पर एक सर्कल बनाना और सोने के घड़े को उसके बीच में रख देना। गॉब्लिंस किसी भी चीज से दूर रह सकते हैं, पर सोने से नहीं जो जादू से भरा हो।
एक बार वो घेरे में आ जाए, जब तक तुम उस पोषण को नहीं मिटाओगी वो बाहर नहीं आ सकेंगे। ऑल द बेस्ट राजकुमारी। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? और ऐसा ही हुआ। गॉब्लिन्स उस जादुई सोने की तरफ आकर्षित हुए और उस घेरे के अंदर आते ही फंस गए। बढ़िया। ये वुहू। तो अब हम इनके साथ क्या करें? पिताजी, इन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हम इन्हें कोई सजा कैसे दें? ये दोबारा परेशान कर सकते हैं। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये क्या बला है? राक्षस, ये देश शापित है। दोबारा किसी को परेशान किया तो तुम्हें इससे निपटना होगा। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बढ़िया, क्योंकि तुम लोगों को बात समझ में आ गई है तो हम तुम्हें शांति से यहाँ से जाने देंगे, और शायद थोड़ा डरा कर भी। गॉब्लिन्स को छोड़ दिया गया और जहाँ से आए थे वहाँ भेज दिया गया। एनेस्थेसिया, तुमने हमें फिर से बचा लिया। पर इस बार बहादुरी के अलावा मैंने कुछ और भी सीखा। मैंने माफ करना सीखा, और ये भी कि मेरे अंदर और भी शक्तियाँ हैं। मेरा सर चकरा रहा है। टैंगसोंगा में फिर से शांति कायम हो गई, और जहाँ तक उस विशाल ईगल का सवाल है, उसने अपने प्यारे दोस्त सुपर ईशा के साथ मिलकर अच्छे काम करने के मौके को जाने नहीं दिया। हाय्या!